हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको डॉट एंड की फ्रेशली मेड 20% विटामिन सी फेस सीरम का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये फ्रेशली मेड विटामिन सी सीरम डॉट एन की वेबसाइट से परचेज किया है। आप इसे नायका ब्यूटी ऐप, डॉट एन की वेबसाइट या ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस है 665 रुपीस, नेट क्वांटिटी है 25 ml और इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है। ये फेस सीरम ऑरेंज कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसमें पाउडर एक्टिवेटर और लिक्विड सीरम बेस की दो अलग अलग बॉटल्स हैं। दोनों ऑरेंज कलर की टिंटेड बॉटल्स हैं और इसमें ड्रॉपर भी दिया गया है। इसकी पैकेजिंग पर इंस्ट्रक्शंस और सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी गई है। फ्रेशली मेड फेस सीरम के लिए आपको पाउडर एक्टिवेटर और लिक्विड सीरम बेस को मिक्स करना पड़ता है। ग्लास सीरम बॉटल को ओपन करें और इसकी कैप क्लीन सरफेस पर रखें। इस लिक्विड सीरम बेस को एल एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर वाली बॉटल में डालें। इसकी लिड को टाइटली क्लोज करें और 1 मिनट तक शेक करें जिससे पाउडर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। इस दौरान आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे जो कि पूरी तरह से सेफ और नॉर्मल है। प्योर विटामिन सी सीरम एक्टिवेट हो गया है और यूज करने के लिए रेडी है। लिक्विड सीरम और पाउडर एक्टिवेटर खुलने और मिक्स होने के बाद आपको इसे 3 महीने के अंदर ही पूरी तरह से यूज करके खत्म कर लेना है और इसे कूल और डार्क प्लेस में स्टोर करके रखना है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड, फेरुलिक एसिड, एल आर्जिनिन, ब्लड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट और हाइरुलोनिक एसिड, जो कि विटामिन सी की बायो अवेलेबिलिटी को बूस्ट करता है। ये सीरम सिलिकॉन्स, पैराबेंस, एसेंशियल ऑयल्स, सिंथेटिक कलर्स, फ्रेग्रेंस फ्री है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इस सीरम का टेक्सचर सीरम के जैसा स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरम की कंसिस्टेंसी वाटरी है और ये सीरम बहुत ज़्यादा रनी है, बिल्कुल पानी जैसा है। पाउडर और लिक्विड अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद भी स्मूथ क्लियर सीरम बनने के बजाय ग्रेनी लिक्विड बनता है। ये फ्रेग्रेंस फ्री सीरम है, इसमें किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं इस लिक्विड सीरम को पिछले 2 महीने से यूज कर रही हूँ। मेरी ऑयली स्किन है। इसे लगाने के पहले कुछ दिनों में मेरे फेस और स्किन पर इचिंग सेंसेशन हुई। इसे स्किन पर लगाने के बाद ऑयली और स्टिकी फील होता है। पाउडर एक्टिवेटर लिक्विड सीरम बेस में अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि पाउडर एक्टिवेटर सीरम में नीचे बैठ जाता है। इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से शेक करके फेस पे अप्लाई करती हूँ, लेकिन ये स्किन पे अजीब तरह का वाइट कास्ट छोड़ देता है। ये सीरम ड्राई होने के बाद फेस को घोस्टली वाइट बना देता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई वाइट पाउडर फेस पे पोत लिया हो। पाउडर और सीरम मिक्स ना होने के कारण ये ग्रिटी इफेक्ट देता है, इसलिए ये सीरम स्किन में स्मूथली ग्लाइड नहीं होता है और स्क्रब के जैसा फील होता है। और ऐसे टेक्सचर के कारण इसे लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। शुरुआत के पहले दिनों में मेरे फेस पर छोटे छोटे दाने भी हो गए थे, तो मैंने थोड़े दिन इसका यूज़ डिसकंटिन्यू किया। फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा यूज़ करना शुरू किया। ये ब्रांड क्लेम करता है कि ये सीरम हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, फोटो डैमेज, अर्ली साइन ऑफ एजिंग और अनइवन स्किन टोन से फाइट करके फर्मर, ब्राइटर और इवन टोन्ड स्किन बनाता है। लेकिन पूरे 2 महीने इस सीरम को यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फेस पर कोई ग्लो और स्किन टोन में कोई चेंज नज़र नहीं आया। ये हर स्किन टाइप के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, खासकर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। विटामिन सी के हाई कॉन्सेंट्रेशन के कारण बर्निंग सेंसेशन देता है और एयर के कॉन्टैक्ट में आने पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे फेस पर सीधा यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कर लें। ये काफ़ी कॉस्टली और ओवर हाइप प्रोडक्ट है। इस ब्रांड से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और मेरे पैसे बेकार गए। मार्केट में कहीं ज़्यादा अच्छे विटामिन सी सीरम अवेलेबल हैं, तो मैं इसे दोबारा नहीं खरीदना चाहूँगी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। आपको जो भी सुझाव देना हो दे सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।